हेलो एवरीवन, आई एम पूर्णिमा सिंह। पूर्णिमा सुपर किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं रेड सॉस पास्ता, जो हम ज़्यादातर शादियों और पार्टियों में खाते हैं, और आज हम बनाएंगे उससे भी अच्छा, अपने घर पे बनाएंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को क्लिक करना तो बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। रेड सॉस पास्ता बनाने के लिए हमें 2 कप पास्ता चाहिए, फ्यूसिली पास्ता मैंने लिया है, और ये ब्रोकली चाहिए, और गाजर चाहिए होगा, प्याज लिया है एक मैंने बारीक काट लिया, शिमला, हरी शिमला मिर्च, बेबी कॉर्न, और ये चेरी टमाटर लिया हुआ है, और फ्रेंच बीन्स चाहिए होगा, और काली मिर्च, ब्लैक पेपर पाउडर, एंड ये बटर लेना है, और पनीर लिया है मैंने 2 टेबल स्पून, ऑरिगेनो लिया है, और ये चिली फ्लेक्स चाहिए होगा, और ये येलो बेल पेपर लिया है मैंने, और कॉर्न लिया है, इन कॉर्न को मैंने उबाल के रख लिया है नमक डाल के, और ये 4 टमाटर चाहिए होंगे, और क्रीम चाहिए होगा हमें 1/2 कप, और ये ऑलिव ऑयल चाहिए, सॉल्ट चाहिए होगा, पानी चाहिए होगा, और ये बेसिल लीव मैंने ली है, तुलसी की पत्ती ये चाहिए होगी, और चीनी चाहिए होगी थोड़ी सी, और लहसुन चाहिए 5 कटे हुए। 2 कप पास्ता बनाने के लिए हमें 6 कप पानी डालना होगा। 6 कप पानी ले लिया है हमने। अब इसमें 1/2 टीस्पून नमक डाल देंगे और 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। जब तक हमारा पास्ता के लिए पानी बॉयल हो रहा है, तब तक हमें टमाटर बॉयल कर लेते हैं। इनमें प्लस का निशान लगाएंगे, ऐसे उबलते पानी में डाल देंगे। पानी बॉयल हो चुका है, अब हम पास्ता डाल देंगे। पानी टमाटर के ऊपर होना चाहिए, अब हम इन्हें उबलने देंगे। 6 मिनट हो गए हैं, 5 से 6 मिनट बाद ही इनका छिलका निकलने लगा है, इसका मतलब ये पक चुके हैं। अब इनको ऑफ कर देते हैं गैस, इनको ठंडा होने के लिए अलग रख देंगे। 10 मिनट हो गए हैं, हमारा पास्ता पक चुका है, इसे चेक कर लेते हैं। ये ऐसे ही दिख रहा है कि पक गया है, ये टूट रहा है, अब इसे छान लेते हैं। इसे छान लेंगे, अब इस पर ठंडा पानी डाल देंगे पास्ता पर। अब इन टमाटरों की स्किन निकाल देंगे, छिलका निकाल देंगे। अब हम टमाटरों को मिक्सर जार में डाल देंगे काट के। अब इसमें 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल डाल देंगे और इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। अब इसे ब्लेंड कर लेंगे। हमारी प्यूरी तैयार हो चुकी है, अब इसे एक कटोरी में निकाल लेंगे। अब हमने पैन गरम कर लिया है, इसमें 2 टीस्पून बटर डाल देंगे, 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल डाल देंगे। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल ना हो तो आप सिर्फ बटर का ही यूज कर सकते हैं। अब इसमें 5 कली लहसुन डाल देंगे कटी हुई, अब प्याज डाल देंगे, 1 बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज लाइट ब्राउन हो गया है, अब इसमें गाजर डाल देंगे, ये मैंने 1/2 कप गाजर जूलियंस में काटे थे। अब हम 1/2 कप ब्रोकली डाल देंगे, इसको मैंने काट के अच्छे से धुल लिया है। अब हरी शिमला मिर्च डाल देंगे 1/2 कप। अब बेबी कॉर्न डाल देंगे, 4 बेबी कॉर्न मैंने काट लिए थे। अब फ्रेंच बीन्स डाल देंगे, 2 टेबल स्पून फ्रेंच बीन्स। तेज आंच पर ही सारी सब्जियों को पकाएंगे। अब इसमें पीली शिमला मिर्च डाल देंगे 1/2 कप। सारी सब्जियों को मैंने 1/2 कप लिया है, और फ्रेंच बीन्स को मैंने 1/4 कप लिया है। अब कॉर्न भी डाल देंगे, स्वीट कॉर्न है ये, उबले हुए, नमक डाल के मैंने उबाल लिया था। 1 टीस्पून सॉल्ट या स्वादानुसार नमक आप डाल सकते हैं। ये 6 चेरी टमाटर मैंने लिए हैं, इनको 1/2 कट कर लेंगे। चेरी टमाटर ऐड कर देंगे। अब जो ये हमने टमाटो प्यूरी बना के रखी थी वो डाल देंगे, 4 टमाटर से जो बनाई थी। अब इसमें 1 टेबल स्पून मैं पास्ता मसाला डाल रही हूँ। सारी सब्जियों को हमने 4 से 5 मिनट के लिए पका लिया था, उसके बाद मैंने टमाटो प्यूरी डाली है। अगर आपको ये सारी सब्जियाँ नहीं मिल पाती हैं तो कुछ सब्जियों को आप स्किप भी कर सकते हैं।
हाफ टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर डाल देंगे, क्रश्ड है ये। ऑरिगेनो डाल देंगे, ऑरिगेनो मैंने हाफ टी स्पून लिया है। चिली फ्लेक्स डाल देंगे 1/4 टी स्पून। चिली फ्लेक्स को घर पे बहुत आसानी से बनाया जा सकता है, ये सूखी लाल मिर्च से बनता है। सूखी लाल मिर्च को लीजिए और उसे खरल में कूट लीजिए और हमारा चिली फ्लेक्स तैयार हो जाता है। अब 6-7 तुलसी के पत्ते तोड़ के डाल देंगे, बेजिल लीफ 2 टेबल स्पून। मैंने पनीर लिया है वो भी डाल देंगे। अब हम इसमें पास्ता डालेंगे, इसमें स्वादानुसार नमक डाल देंगे। नमक हमने पहले भी डाला था इसलिए कम ही डालेंगे। अब इसमें 1/2 कप क्रीम डाल देंगे, फ्रेश क्रीम है ये। अब इसमें 1/2 टीस्पून चीनी डाल देंगे, ये अमूल की प्रोसेस्ड चीज़ है जो आपको कहीं भी मिल जाएगी, मार्केट में इजीली मिल जाएगी। अब इसको ग्रेट करके हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून, ग्रेट करके डाल देंगे। अब हमारा रेड सॉस पास्ता बनके रेडी हो गया है, इसे सर्विंग बोल में निकाल लेते हैं। अब क्रीम से गार्निश कर लेंगे, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर छिड़क देंगे। अब बीच में एक चेरी टमाटर रख देंगे। मुझे लीजिए लीजिए, तैयार है हमारा रेड सॉस पास्ता। आप खाइए, खिलाइए और एंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।